है और आज हम नया सब्जेक्ट नया लेक्चर ले रहे हैं जो एक्सेल ले रहे हैं। तो एक्सेल में मैंने कुछ कुछ फॉर्मूला आप लोग को बता दिया है, जैसे कि मैं कुछ वैल्यू कप का फॉर्मूला, मार्कशीट, सैलरी शीट। अभी मैं कुछ अलग एडवांस बताऊँ, अभी वन 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 चैप्टर वाइज में लूँगी लेक्चर आपका। तो अभी मैंने यहाँ से एक शीट ले लेते पहले हम। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं गाइस तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ढेर सारे वीडियो मेरी डेली बेसिस पे मिलती जाए। और यहाँ पे मैंने डिटेल ले लिया, इसको लॉक कर देता हूँ। यहाँ से मैं आपको बताऊंगी, देखिए कट कॉपी पेस्ट, अगर मुझे कॉपी करना है कंट्रोल सी से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, ये ऑप्शन होगा। अगर मुझे फॉर्मेट डालना है, सपोज इसमें मैंने कोई भी फॉर्मेट ले लिया, उसको कलर दे दिया, कोई भी कलर दे दिया, तो मैं ऐसे इंक्रीज कर दी साइज को। भी यही साइज मुझे नीचे फॉर्मेट करना है, नीचे वाले में देखिए अप्लाई हो गया, फॉर्मेट प्रिंटर भी अप्लाई होता है। कॉपी करना है जस्ट हमें, ये फॉर्मेट प्रिंटर लेना है और नीचे का बैकग्राउंड हमें लेना है। इसे हो गया, फॉर्मेट प्रिंटर भी यूज होता है यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे फॉन्ट ले लेते हैं। फॉन्ट का यूज सेम दिया है यहाँ पे, वर्ड की तरह साइज इंक्रीज डिक्रीज सेम दिया है, बोल्ड कर सकते हो तरह से, इटालियंस कर सकते हैं, अंडरलाइंस दे सकते हैं, डबल देना है तो डबल भी दे सकते हैं संग, यहाँ पे देखें, या फिर नो करना है तो नहीं दे सकते। यहाँ पे कलर है, जो कलर लेना रहेगा वो कलर चूज कर लेंगे आपका। यह बैकग्राउंड कलर है, ये टेस्ट कलर है, जो आपको टेस्ट में कलर चाहिए वैल्यू को वो कलर आप ले सकते हैं। यहाँ से इंक्रीज होगी साइज, यहाँ से डिक्रीज होगी। सपोज ये मैं किसी का डेटा निकाल दें, अगर मैंने सेल डेटा निकाला है सपोज, तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ। पहले इसको ऑल बॉर्डर सेलेक्शन करेंगे, देखिए यहाँ पर बॉर्डर का ऑप्शन दिया है, बहुत सारे ऑल बॉर्डर, राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, डिजाइन स्टाइल, जो जो टाइप में हमें बॉर्डर लेना है वो बॉर्डर हम ले लेंगे। अभी देखिए मैं ऑल बॉर्डर जो है ना वो इससे दे देंगे, हम शॉर्टकट की से देंगे, अल्ट एच बी, सॉरी आज ठीक है, अब गई मिडल और बॉटम, लेफ्ट राइट, सॉरी लेफ्ट है, मिडल है और राइट में ठीक है। ये आपका मास्किंग है, जो हम अगर सपोज हमें ये हमारा डॉक्यूमेंट से यहाँ तक जा रहा था, हमें मास्क करना है तो मास्क सेंटर यहाँ से मास्क कर लेते हैं। जर्नल है, देखिए नंबरिंग में करना, तो नंबरिंग में कन्वर्ट होता है। कंसी में घूम जाएगा, कंसी में करना रहेगा तो कंसी में कर देंगे, सॉरी लग रहा था नीचे छिपकी है। अकाउंटिंग में करना तो अकाउंटिंग में कर सकते हैं हम, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, इस तरीके से हम सबसे ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने जर्नल ले लिया, इसकी साइज बड़ी हो गई, यहाँ पे देखिए नंबरिंग का कॉलम ले लिया। अब यहाँ पे नंबरिंग अगर इंक्रीज करना तो यहाँ से कर सकते हैं, और डिक्रीज करना तो यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। ये हो गया, ये हमारा एक्सेल का अलाइनमेंट तक मैंने आपको बता दिया, नंबरिंग तक कैसे कैसे नंबरिंग यूज़ करते हैं। कंट्रोल, अगर हमें कंट्रोल वन, ये देखिए यहाँ पे नंबरिंग आ जाएगा। ये जब कस्टम में आएंगे तो मैं कस्टम के भी बहुत सारे यूज़ बताऊँगी, चीज़ों कैसे कर सकते हैं कस्टम के, तो बहुत यूज़ होते हैं कस्टम के, तो मैं एक एक करके आपको बताऊँगी वन बाई वन।
ये होता है हमारा सेल डिफरेंस, जहाँ पे हमारा सेल जाती है वहाँ पे हमें डिफरेंस करते हैं। यहाँ पे अगर हमें हेडिंग करना है, ये हमारा कॉलम होता है और ये हमारा रॉ होता है, मैंने पहले बता दिया। अब इसके साइज अगर इंक्रीज और डिक्रीज करनी है तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट में जाएंगे, रॉ है इसकी साइज है 14 पॉइंट, अगर मुझे इसकी साइज नहीं है 8.4, कम हो गया साइज, तो इस हिसाब से कम हो जाता है। कॉलम की भी साइज अगर कम करना रहेगा तो सेम हिसाब से हम कॉलम की भी साइज से कम कर सकते हैं। ये हमारा शीट होता है, जो शीट देखिए कंटिन्यू टैब शीट ले सकते हैं, मगर मुझे ऐड करना रहेगा तो एक्सेल में बाय डिफॉल्ट गाइस शीट होता है 1, और अगर ऐसे लेना चाहेंगे तो 32,000 तक शीट ले सकते हैं। जो एक्सेल में कॉलम होता है 1,16,384 होता है, 16,384 रुपीज़ है, 84 होते हैं जो कॉलम होते हैं ये। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये हमारा सेल है जो एक्टिव डिफरेंस करता है। यहाँ पे अगर कुछ वैल्यू होती है, अभी यहाँ पे जो हमें दम कोई बोलता है हमें डाउन जाना है तो हमें कंट्रोल प्रेस करना है और नीचे आना है, तो नीचे देखिए 1,048 तक ये कॉलम कर दिया है। अगर अब जाना तो अब जाएंगे, अगर आपका डेटा है डेटा में जाना रहेगा तो कंट्रोल इन से जहाँ तक आपका डेटा रहेगा वहाँ तक आप जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही गाइस, कल मिलते हैं नए चैप्टर में, और कल मैंने आपको सिखाने वाले फॉर्मेटिंग में कंडीशन फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग स्टाइल टेबल और सेल सेल टेबल। तो मैं बस कल इतना बताऊँगी, आज बस इतने खत्म करते हैं। अगर आप मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।